सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम बैठे हैं कानपुर के गुरु नानक मॉडल स्कूल में। सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन है, सर बलविंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने। और सर का छोटा सा डिटेल मैं बताता हूँ, बाकी सर खुद बताएंगे क्योंकि सर के मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा। सर बहुत अच्छा बोलते हैं, सर वर्कशॉप्स करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सर CBSE के कोऑर्डिनेटर हैं कानपुर एंड सराउंडिंग के, सर सहोदय ग्रुप के चेयरमैन हैं कानपुर के, और इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो सर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सर ने इतना कुछ करने के बाद भी हमें समय दिया कि हम सर से बात कर सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और हमारा जो आने का पर्पज था सर आपके पास, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके बारे में जानना, आप कैसे इस फील्ड में आए और कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। और आने वाले टाइम पे चूंकि स्कूल खुलने शुरू हो रहे हैं और आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है कि स्कूल खुलने के पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो सर सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आई फील इंडक्टेड दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज ऑन दिस वंडरफुल एंड रिनाउंड प्लेटफॉर्म। तो मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मेरे लिए समय निकाला। सो बेसिकली आई एम अ टीचर, मैं अपने आप को एक टीचर ही समझता हूँ। और चाहे हम कोई प्रिंसिपल है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, somebody is trainer also, the root is teacher. So as a teacher, the role of teacher is to educate society. So we are trying for that. Nanak Modern School is trying to transform education since 1985. So we are catering to the middle class families, middle class students. So कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे इनका grasp अच्छा है, those who are really more gifted and they have good brain, they have good comprehension, वो तो खुद से पढ़ ही लेते हैं. But the children, those who have lower grades, those who have lack of interest in studies, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनके स्कोर अच्छा नहीं आता है, जिनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो वी वर्क ऑन इन दिस स्पेशल। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना, दैट इज द टास्क, दैट इज द चैलेंज। तो मैं और मेरा पूरा स्टाफ, द एंटायर सेट ऑफ टीचर्स, सो वी ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज स्टूडेंट्स, दोज वर स्लो लर्नर्स, दोज वर डिस्ट्रैक्टेड, दोज वर हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको कैसे पढ़ाया जाए उस पर हम लोग काम करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था 5 years back, इज नोन एज मेंटर मेंटी प्रोग्राम। मेंटोर मेंटी प्रोग्राम में हम लोग हर साल जब नया सेशन स्टार्ट करते हैं, वी आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट्स, वीक इन द सेंस दोज हु हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इनका ग्रेड्स इनके कम है। तो ऐसे एक लिस्ट, वी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज हु आर वीक इन स्टडीज। So, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर इट वॉज ऑलमोस्ट 160 स्टूडेंट्स वी आइडेंटिफाइड इन माई स्कूल। सो वट वी डू, वी डिस्ट्रीब्यूट 3-4 स्टूडेंट्स टू ईच टीचर। तो 3-4 स्टूडेंट्स एक टीचर को दे दिए जाते हैं, दैट टीचर बिकम्स गार्जियन इन द कैंपस। तो पर्पज ऑफ दैट टीचर इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि उस टीचर को इन चार बच्चों को पढ़ाना नहीं है, दैट टीचर विल नॉट आस्क अबाउट द एकेडमिक्स। So first thing, whenever teacher will come across that child in the school campus, वो पूछेगा कि बेटा, have you finished your tiffin today? So how was your day today? How was your morning today? तो उसे एक connect बनाना है, उसको एक अपने साथ जोड़ना है, ताकि वो बच्चा neglected feel ना करे। क्योंकि जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जिसके marks कम आते हैं, उसको class में बहुत neglected feel करवाया जाता है। जी जी, कहीं ना कहीं उसके parents भी उसको शाम को गलती कर जाता है, उसको कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। Then that teacher and that child becomes friend, वो दोस्त बन जाते हैं। और वो दोस्ती जब हो जाती है, तो दोस्त दोस्त की बात सुन लेता है। टीचर्स हो सकता है, स्टूडेंट टीचर की बात ना सुनता, और टीचर स्टूडेंट
या बच्चा पेरेंट की बात ना सुनता हो बट दोस्त दोस्त की बात जरूर सुनता है. तो दिस इज आवर प्रोजेक्ट. तो इसके लिए आई हैव सबमिटेड माय सिनॉप्सिस इन द सिटी मॉडर्निटी स्कूल आल्सो दे ऑर्गेनाइज एट लीडरशिप प्रोग्राम एवरी ईयर फॉर थ्री डेज प्रोग्राम. तो उसमें वो लोग नई नई इनोवेशन उसको कलेक्ट करते हैं. सो आई हैव सबमिटेड माय सिनॉप्सिस आई थिंक 4 years बैक and they have awarded me and Guru Nanak Model School for this initiative. So this type of work we are doing in the school. That's really amazing. मतलब इतना कुछ चीजें आप कर रहे हैं और इतने different तरीके से कर रहे हैं. That's really amazing sir. Second sir, आपसे एक चीज ये important है क्योंकि आप CBSE से इतना अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं. तो ये पूछना था सर कि जो नई education policy implement होनी है What is your thought? What is your opinion? कि कैसे ये बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है? First of all, I congratulate all the stakeholders of education and especially the government of India for giving us this new education policy. After 34 years we are getting it, and soon we will have a new curriculum framework also. लास्ट करिकुलम फ्रेमवर्क वाज गिवन इन 2005 सो ये 34 साल से हम लोग जो शिक्षा नीति फॉलो कर रहे थे उसको रिप्लेस किया है. एंड द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एनईपी इज दैट वी विल हैव अ न्यू स्ट्रक्चर नाउ इन प्लेस ऑफ 10+2 नाउ इट विल बी 5+3+3+4. पहले 5 साल मींस पीजी से लेके क्लास 2 दैट इज फाउंडेशन फर्स्ट 5 years देन प्रिपरेटरी 3 to 5 नेक्स्ट 3 years then middle is 6 to 8 and then senior it's 9 to 12. So ये 5+3+3+4 का जो structure आया है that structure will be a new revolution in the education if it will be implemented seriously. If it will be disseminated among the stakeholders then. क्योंकि पहले क्या हो रहा है कि हम लोग 10+2 system का मतलब है कि 10th में जाके 10 साल के बाद जाके assess करते हैं बच्चे को then we assess After 12, वो जगह assessment होनी चाहिए. Now we are going to assess a child at 4 stages. पहले 5 साल की पढ़ाई हुई. So at that stage, as per the recommendations of this NEP policy, the recommendation is that after 5 years of study, we must analyze and assess the child that what is the numeracy and literacy level after studying for 5 years. 5 साल पे उसको रोक के वहाँ देख लिया जाए कि इस बच्चे को numeracy, literacy कितनी आ गई. Here I would like to add कि आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि we are educated तो इसको हिंदी में बात करें पढ़ा educated means पढ़ा. तो अगर इस इन वर्ड्स को ध्यान से इसको हम लोग थोड़ा सोचे विचारे तो पढ़ा लिखा means one who can read that is पढ़ा पढ़ सकता है. लिखा means one who can write. तो educated means one who can express the ideas express the feelings. वो रीड भी करता है और राइट भी कर सकता है. तो जो हमारी अभी की स्थिति है इफ वी गो टू क्लास 10 एंड इफ वी यू नो गिव अ टास्क टू अ चाइल्ड टू राइट 20 लाइंस ऑन एप्पल. एप्पल इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. बचपन से ए फॉर एप्पल से हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती. तो अगर हम 10th क्लास के बच्चे को 12th क्लास के बच्चे को ये कहें कि प्लीज राइट 20 लाइंस ऑन एप्पल तो आई थिंक 80% चिल्ड्रन दे आर अनएबल टू राइट करेक्टली अबाउट एप्पल. It means कहीं ना कहीं faulty, कहीं ना कहीं we are mugging up, we are just cramming, and we are promoting cramming, and child is just simply you know mugging up and vomiting up. This is the system we are having right now. तो अगर ये 5+3+3+4 का system implement हुआ और assessments हुई and the as the you know dream and wish of the government till 2030 we want at least 100% numeracy literacy level. At least up to middle classes. तो ये assessments करके हम लोग ये check कर पाएंगे कि numeracy literacy कितना बड़ा. Then again after 3 years, क्योंकि इसमें क्या education system में क्या होना चाहिए कि after teaching they should be remedial also. क्योंकि अभी कहीं ना कहीं missing है. क्योंकि syllabus बहुत bulky है, या planned नहीं है, या उसको breakup नहीं किया गया कहीं ना कहीं. तो teacher का पूरा focus जो है वो syllabus खत्म करने पे लगा हुआ है. And we have so many political holidays, social holidays, religious holidays. On an average, school, एक साल में I think 160-170 days लगता है.
170 डेज में इस बल्की सिलेबस को करवाना और उसके कॉम्प्रिहेंशन को चेक कर जाना, तो कहीं ना कहीं सिस्टम अभी जो है किसी और डायरेक्शन में नहीं हो रहा है. तो आई होप कि दिस स्ट्रक्चर विल हेल्प अस टू रेनोवेट दिस सिस्टम. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एनईबी इज टू रिड्यूस द रीजनल लैंग्वेज, दैट द इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज शुड बी मदर टंग. क्योंकि जब मदर टंग में इंस्ट्रक्शन होगी तो बच्चे को आसानी से वो चीज समझ में आएगी. जब फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनको वो लैंग्वेज की आसानी से समझ में नहीं आती. तो एनईपी इस चीज़ को भी प्रमोट कर रही है कि इनिशियल ईयर में इनिशियल जो फर्स्ट फेज है वो 5 years इंस्ट्रक्शन शुड बी रीजनल लैंग्वेज अलोंग विद द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज. पढ़ाना उसको भी है बट इंस्ट्रक्शन अगर हमारी मातृभाषा में होगी तो हमें आसानी से समझ में आएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी रिग्रेस ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स एंड सम अदर फीचर्स. But again, the challenge is to implement. So, sir, अगर जो भी situation आई जिसकी वजह से सारी चीजें बंद हो गई और schools का pressure इतना ज़्यादा हो गया कि teachers को extra काम करना पड़ा, मेरे ख्याल से जो 6 घंटे में फ्री 7 घंटे में फ्री हो जाते थे उनको 10-10 घंटा मैनेज करना पड़ा, तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया सर इस टाइम? और अब चूंकि अब स्कूल खोलने की सिचुएशन पे आ गया है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, तो आने वाले टाइम पे कैसे सोच रहे हैं सर, कैसे इस चीज को मैनेज कर रहे हैं? बहुत सी चीजें एकदम फर्क हो गई. नर्सरी टू 5th के बच्चों को मेरे ख्याल से फिर से जीरो से शुरुआत करानी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने पिछले पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ा और घर पे तो लिमिटेशन डेफिनेटली होती होती. तो कैसे सर सोचते हैं आने वाले? इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर द टीचर्स एंड आई एम हैप्पी एंड आई कांग्रेचुलेट द एंटायर टीचिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया दैट दे हैव पिक्ड इट अप वेरी क्विकली. बहुत कम समय में हमारे टीचर्स जो है टेक्स अभी हो रहे हैं जी, दे लर्नड इट, दे इंप्लीमेंटेड इट एंड नाउ दे आर यूजिंग इट वेरी एफिशिएंटली. तो कभी वर्चुअल मीटिंग्स का रिवाज नहीं था, कल्चर नहीं था. इवन एज अ प्रिंसिपल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग भी इसको इतना यूज नहीं करते थे. कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये कल्चर था बट एजुकेशन इंडस्ट्री में एजुकेशन सेक्टर वर्चुअल मीटिंग वर्चुअल टीचिंग वर्चुअल डिस्कशन का इतना ट्रेंड नहीं था जी. तो बहुत जल्दी सबने पिकअप किया सिस्टम को, बहुत जल्दी इसमें सबने अपने आप को R&D करके अपने अपने तरीके से सबने किया. और इसके लिए जैसे सबने अभी आप कह रहे थे उनको होमवर्क पहले करना पड़ा टू टीच फॉर 2 hours ऑनलाइन दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड उसके लिए कंटेंट डेवलप करना, उसके लिए एक्टिविटीज डेवलप करना, ये सारा चैलेंज टीचर्स को रहा. और टीचर्स ने छोटे बच्चों ने भी कोशिश की ऑनलाइन पढ़ने की, कहीं ना कहीं हमें रेमडियल क्लासेस लगा के रिकैप्स लगा के कुछ वर्कशीट्स करवा के कुछ प्रोजेक्ट्स करवा के उसको करना पड़ेगा, उसके आपको फिल करना पड़ेगा. एंड आई थिंक इफ एवरी स्कूल विल हैव 15 टू 20 डेज ऑफ रिकैप सेशंस, डाउट सेशंस, फिजिकल सेशंस, देन दे विल बी एबल टू टेक द फाइनल एग्जाम्स. तो ऐसे में सर फाइनली आपसे पूछना चाहेंगे व्हाट इज योर मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे चीजें चूंकि खुल रही हैं कैसे आने वाले टाइम को देखें? क्योंकि ये सिचुएशन तो ऐसी थी जो सडनली आई और शायद फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो सकता है, तो आप अपने थॉट जरा सा प्लीज हमारे लिए बोल दीजिए. तो बेसिकली एजुकेशन इज अ ट्राइपॉडल प्रोसेस, इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स. तो जब तक ये तीनों का आपस में टीम वर्क नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट पॉसिबल. तो नाउ स्कूल्स आर रीओपनिंग, सो ईच वन ऑफ अस लाइक टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट, वी हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट वी हैव टू कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल. सबको आपस में कोऑर्डिनेट होके वी हैव टू हेल्प ईच अदर, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड देन ओनली दिस सिस्टम विल कम बैक ऑन द ट्रैक. तो तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को घर पे बच्चे को देखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स और स्कूल में पेरेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं, इनको स्कूल का सिस्टम
उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा. एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट कि बच्चों को स्कूल आने की हैबिट जो छूट गई है, उनमें जो लेजीनेस आ रही है, वो एक जो एक स्लगिशनेस आ रही है, वो जो अप्रोच डेवलप हो गई है उसको ब्रेक करना एक चैलेंज रहेगा. इसके लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट टीचर्स सब उनके काम करना पड़ेगा. माई मैसेज टू ऑल ऑफ अस इज दैट कि वी हैव टू कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड वर्क टूगेदर टू ब्रेक दिस चैलेंज. That's really great, sir. That's really great. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. आपने इतने से शॉर्ट नोटिस पे अपना समय दिया और अपने थॉट्स बताए, और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को सबको ये थॉट्स पसंद आएंगे. सो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए. और हमारी कामना यही है कि आने वाले टाइम पे चीजें सब नॉर्मल हो जाए और सारी चीजें अपने वापस अपने रूटीन पे आ सके सर. तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम. थैंक्स टू एवरीबॉडी ग्रुप. Thank you, sir.